हरियर फ्रेंड, हम सभी चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं आज। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग इज प्योर, मतलब इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो आज इसकी इम्पोर्टेंट हम पॉइंट देखने वाले हैं। और चैप्टर का नेम जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इज मैटर्स अराउंड अस प्योर, ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जिसमें मैटर्स एंड इट्स टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सर एंड इट्स टाइप के बारे में, सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने जो फर्स्ट चैप्टर थे मैटर्स इन और सराउंडिंग, तो उसमें मैंने मैटर्स से रिलेटेड आपको नॉलेज देने का प्रयास किया। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी मतलब हमारे चारों तरफ मैटर्स दिख रहे हैं वो क्या प्योर हैं, और प्योर हैं या नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट हम देखते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है मैटर, ठीक है। तो मैटर, एनी थिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, इट मे बी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड और गैस के हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैटर, वो स्टेट था जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में। टाइप्स ऑफ मैटर में क्या जाता है कि प्योर सब्सटेंस हो सकता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस हो सकता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस हो सकता है। अब देखिए, मैटर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस हमने देख लिया, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस देख लिया। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, मिक्सर, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमें आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, इनको कैसे कैसे, मतलब पूरा इनके बारे में हम डिटेल में नॉलेज लेने वाले हैं। तो आगे देख लीजिए प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, इट मे बी डिफाइन एज मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, इट मे बी डिफाइन एज अ मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंस अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा क्या होते हैं, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। 2 टाइप्स क्या होते हैं, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड होता है। अब एलिमेंट क्या होता है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट है क्या भाई। तो प्योर सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज ए एलिमेंट, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस है जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बना हो, उस क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से बना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। आगे हम देखने वाले हैं उससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, दे कैन नॉट बी स्प्लिट ऑफ इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी ऑफ द यूजुअल केमिकल मेथड, किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा इसको 2 या 2 अधिक सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सोडियम है, ये सब जितने हैं उसको 2 या 2 अधिक सब्सटेंस में क्या स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, तो ये उसको बोला जाता है एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, इसी लिखे हैं कि और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी, देखिए अभी हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड देखे, तो अभी एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, और एलिमेंट में क्या पढ़ रहे हैं,
एलिमेंट में हमने पढ़ा कि ये सारे जितने जिसको हम मतलब एक दो या दो अधिक सिंपल सब्सटेंस को हम केमिकली यूजुअली केमिकली कोई भी मेथड हो जिससे स्प्लिट अप हम नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बताया आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और एलिमेंट जो है वो आगे चल के और कैटेगराइज किया गया, वो किस में कैटेगराइज किया गया, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। ये तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया। अब मेटल में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मरकुरी, ये सब क्या आ जाता है। और मरकुरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में एक मरकुरी है जो मेटल में आता है, ठीक है। नॉन मेटल में क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल हैं, एलिमेंट हैं बट नॉन मेटल एलिमेंट हैं, ठीक है। अब मेटलॉइड में क्या आ जाता है, बोरॉन आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, ये सब क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और सिलिकॉन जर्मेनियम का हम यूज करते हैं जहाँ पे बैटरीज बनाए जाते हैं, जिसको सेमी मेटलॉइड्स को सेमी मेटल भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आगे एक एक जैसे मेटल है चाहे नॉन मेटल है चाहे मेटलॉइड है उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटल को देख लेते हैं, ठीक है, मेटल को देख लेते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या देखने वाले हैं, दीज आर लस्टरस, मतलब वो शाइनिंग उसमें होता है, दीज आर लस्टरस। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल मेटल आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब उसको खींच के हम तार बना सकते हैं, वो तन्यता उसके अंदर क्वालिटी होती है, ये प्रॉपर्टीज एक है। दे आर सोनरस, वो सोनरस होते हैं, ठीक है, दे आर सोनरस। ऑल मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के अलावा जितने भी मेटल होते हैं सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम ही हैं जो मतलब सॉफ्ट होते हैं, बाकी सभी जितने मेटल होते हैं सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्डनेस जो हार्ड होता है उसका कहने का मतलब है कि उसके जितने भी एटम्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरह से कंपैक्ट, उनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है, जिसके अंदर बॉन्डिंग अच्छे से होती है तो वो अगर स्क्रेच करते हैं तो उसके जो एटम्स हैं छोटे छोटे एटम्स वो निकल नहीं जाते हैं, तो मतलब बोला जाता है वो हार्ड एकदम, और जिसके निकल जाते हैं मतलब ठीक है तो वो हार्ड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकुरी विच इज लिक्विड, ठीक है, ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म रहेंगे मरकुरी को छोड़ के, ठीक है, मरकुरी क्या होता है वो लिक्विड में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या क्या है, पहला है दीज आर डल इन अपीयरेंस, क्या होगा अपीयरेंस में वो डल होगा, मतलब दिखने में डल दिखेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कुछ मतलब नॉन मेटल को छोड़ के बाकी जो भी जितने भी नॉन मेटल हैं उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो या हीट पास ना हो, हीट ट्रांसफर ना हो। दे आर नाइदर मैलिएबल और नॉट डक्टाइल, ना तो वो मैलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सपेक्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डेस्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली सॉफ्ट ही होते हैं, सॉरी दे आर जनरली सॉफ्ट पाए जाते हैं एक डायमंड को छोड़ के, डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। दे मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल थे। अब उसके बाद एक और आ जाता है, वो है मेटलॉइड, क्या है मेटलॉइड। अब मेटलॉइड में क्या, द एलिमेंट डैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया सिलिकॉन, जर्मेनियम,
बोरान, ये सब क्या है, मेटलॉइड हैं, जो इनके मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सेमी मेटल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट हमने देखा था। तो ये तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने किसके बारे में देखा, एलिमेंट के बारे में देखा, किसके बारे में देखा, एलिमेंट के बारे में हमने ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके बारे में पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताते जाता हूँ, आपको जितनी पॉइंट मैं बता देता हूँ उसको आपने क्या करना है कि नोटबुक लेके बैठिए, जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं तो उसको वीडियो पॉज करके उसको लिख लीजिए, कि ताकि आपको इससे रिलेटेड आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो आपको समझ में आ जाएँ, कि ताकि आप इजीली एक एक पॉइंट को आप समझ सकें। तो देखिए जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट इन अ डेफिनेट रेशियो बाई मास। मास के द्वारा वो क्या होते हैं, दो और दो एलिमेंट जो डेफिनेट रेशियो में हो उसको कंबाइन करके एक मैटर बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है कंपाउंड। मतलब टू और मोर देन, मतलब एक तरह से बोला जाए कि एक डेफिनेट रेशियो में कोई एक मास को, मतलब दो दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट को कंबाइन करके और एक डेफिनेट रेशियो में हो तो उसको मिला के जो बनाया जाता है मैटर उसको ही बोला जाता है कंपाउंड, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट बोला, इट कैन बी डीकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड। किसी सुटेबल केमिकल मेथड के द्वारा ही इसको डीकम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये क्या है, कंपाउंड है। अब इसमें आ जाता है, ये था हमारा कंपाउंड से रिलेटेड पॉइंट, ये जो कंपाउंड से रिलेटेड हमने इसमें पॉइंट डाला। अब आ जाता है, ये सब तो हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा अभी तक, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े। आगे मैं आपको बता देता हूँ, आगे मैंने वही चीज़ स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर कि मैटर से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्योर सब्सटेंस, इतना हमने देख लिया, इतना हमने देख लिया। अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, मिक्सर आएगा, ठीक है। तो मिक्सर से रिलेटेड हम जितने भी पॉइंट पढ़ने वाले हैं अब उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने एलिमेंट पढ़ा, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब भी हम देखेंगे। अभी इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में हम देखने वाले हैं। इम्प्योर सब्सटेंस तो क्या है, इट मे बी डिफाइन एज अ मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिकुलर्स। इट मीन्स क्या बोला है, इट मे डिफाइन एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिकुलर्स। उसको इम्प्योर सब्सटेंस, इट ऑल्सो नेम एज ए मिक्सर, उसका एक और नाम से हम बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, इट मे डिफाइन एज ए मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिकुलर्स, तो ये तो प्योर का है। इम्प्योर में मतलब वन काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिकुलर्स नहीं होते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये आपने इसमें सेंटेंस में सुधार करने रखे हैं, मटेरियल विच कंटेंस वन और मोर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिकुलर्स, ऐसे बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नेम एज अ मिक्सर, इसको और किस नाम से जानते हैं, मिक्सर के नाम से जानते हैं। अब मिक्सर के नाम से जानते हैं तो मिक्सर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि इसमें इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, मिक्सर आ जाता है, ठीक है। तो मिक्सर क्या है, अब मिक्सर इज अ मटेरियल विच कंटेंट टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। देखिए डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा है, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स या एटम मॉलिकुलर्स बोले, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स टूगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, उसी को क्या बोला जाता है, मिक्सर कहा जाता है, ठीक है। अब मिक्सर इज अ मटेरियल विच कंटेंट टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स टूगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिक्सर बोला जाता है। अब मिक्सर के टाइप्स देख लेते हैं, मिक्सर के टाइप्स देख लेते हैं। तो मिक्सर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, होमोजेनियस होता है मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस से रिलेटेड कुछ
डिफ्रेंशिएशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से डिफ्रेंशिएशन है। तो पहला क्या बोला है, होमोजेनियस मतलब ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, वो होमोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस में ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर आर नॉट थ्रोली मिक्स्ड, थ्रोली क्या होता है, मिक्स्ड प्रॉपर नहीं होता है। इसमें क्या, नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, मतलब अगर उसको उसमें मिक्स कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो मिक्स किया उसकी दिखाई दे रहा है कि वो भी पार्टिकल दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला भी पार्टिकल दिखाई दे रहा है। तो मतलब नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, बट हेट्रोजीनियस में सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, ठीक है। एग्जांपल जब मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सर मतलब कौन कौन से मिक्स करेंगे तो हेट्रोजीनियस होगा, क्या मिक्स करेंगे तो होमोजीनियस होगा। इट कंसिस्ट सिंगल फेज, जब मिक्स हो जाता है तो सिंगल फेज दिखेगा। इसमें इट कंसिस्ट टू और मोर फेजेस दे सकते हैं, ठीक है, टू और मोर फेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि एग्जांपल जैसे शुगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये क्या है, होमोजेनियस है। शुगर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो एक ही प्रकार का सिर्फ रह जाता है। और यहाँ पे देखिए एयर सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ये सब मिक्स होते हैं तो क्या हो जाता है, एक सेपरेट बाउंड्री बनती है, ठीक है, फेज इनके बनते हैं। तो ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में डिफरेंट था। अभी आगे एक और डिफरेंस हम देखने वाले हैं, वो डिफरेंस है मिक्सर एंड कंपाउंड के बारे में। मिक्सर एंड कंपाउंड से रिलेटेड हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिक्सर और कंपाउंड से रिलेटेड क्या है, मिक्सर क्या है, कंपाउंड क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि मिक्सर होता है कि टू और मोर पार्टिकल्स को मिक्स करके और किसी भी रेशियो में बनाते हैं, तो मिक्सर होता है। कंपाउंड में मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, प्रॉपर रेशियो में मिक्स करते हैं और सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो उसे कंपाउंड बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है वो क्या है, वेरियस एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, एक नया कंपाउंड बन जाता है। बट यहाँ पे कैसे मतलब मिक्स करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई नया कंपाउंड फॉर्म होगा। अब मिक्सर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन बट द कंपाउंड हैज़ ए फिक्स कंपोजिशन। अब मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। दे डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बट दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाई फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से इसको सेपरेटेड कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल, ये केमिकल प्रोसेस से ही इसको सेपरेट कर सकते हैं और इसको फिजिकल मेथड से ही इसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सर को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा और कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपने ट्राई करना है कि ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप इसे लिख सकें। तो देखिए पहला बोला इज़ एयर अराउंड अस अ कंपाउंड और ए मिक्सर, जो एयर हमारे चारों तरफ देख रहे हैं वो क्या है, कंपाउंड है या मिक्सर है, कंपाउंड है या मिक्सर है वो देख लेना है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ कंपाउंड जस्टिफाई वो भी देख लेना। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस ये भी हमने देखा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, बता देना है, रीजन दे देना है। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल, ये बता देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बाई विच कंपाउंड कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम मिक्सर। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जो मिक्सर बन रहा है, एक सॉल्यूशन बना, मिक्सिंग करने के बाद एक सॉल्यूशन बन रहा है, तो उस सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और दूसरा होता है सॉल्यूट। एक तो होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट and is usually present in larger amount, such amount of solution is called the solvent, ठीक है। ये जो large amount में पाए जाते हैं, एक तरह से ये भी बोल सकते हो जो dissolve हो जाते हैं, another कोई भी material इसमें मिलाए जाते हैं तो dissolve हो जाता है तो उसको बोला जाता है solvent, जैसे कि water, alcohol, ये क्या है, solvent है। और water को
यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा गया है, ये भी याद रखना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। फिर सॉल्यूट देखिए, द कंपाउंड ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड इज यूजली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन सच कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल साल्ट है, शुगर है, आयोडीन है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं जो सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ होमोजेनियस मिक्सर, पार्टिकल साइज इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, सॉल्यूशन इज स्टेबल होगा, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट बताया है कि सॉलिड इन ए सॉलिड सॉल्यूशन जैसे एलॉय, दूसरा बताया है कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन जैसे शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, तीसरा है लिक्विड सीन और लिक्विड सॉल्यूशन जैसे लेमन वाटर, विनेगर, फिर गैस इन गैस सॉल्यूशन जैसे एयर है, और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन जैसे सोडा वाटर है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन जैसे सोडा वाटर होता है। फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, जैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट याद रखना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम्स अगर सॉल्वेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट, कितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज ए सॉल्युबिलिटी इन द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट, उस पार्टिकल सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी को ये बताता है कि 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट है उसमें कितना मैक्सिमम हम सॉल्यूट मिलाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बेस पे। अब देखिए कंडीशन अफेक्टेड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन अफेक्ट करते हैं, तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा है आपका प्रेशर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से अगर समझ जाते हैं ना तो बहुत ही आपको काम आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकली आप देखेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो ये इसमें पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो टेम्परेचर का क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लिक्विड की इंक्रीज होती जाती है। वेयरवेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, और गैसेस की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजेज ऑफ द टेम्परेचर, डिक्रीज होते जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई लिक्विड है उसमें गैस को अगर मिक्स करना है तो अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़्यादा मिक्स होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम मिक्स होगा। वही लिक्विड की, लिक्विड की बात करें या सॉलिड की बात करें, अगर लिक्विड में मतलब एक सॉलिड है उसको लिक्विड में डिजॉल्व करना है तो उसके लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो करेगी। लेकिन डिफरेंट है, अगर लिक्विड में गैस को अगर मिक्स कराना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए टेम्परेचर कम रहेगा तो वो फटाफट, टेम्परेचर कम में फटाफट होता है, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, उसी की तरह से अभी टेम्परेचर देखें तो प्रेशर में देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी का, प्रेशर से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जब गैस को लिक्विड में किया जाता है तो इंक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ द प्रेशर, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो उसमें गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा, कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर सॉलिड लिक्विड में किया जाएगा तो क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, प्रेशर मतलब प्रेशर से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, प्रेशर से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ उस पर होगा जब हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कराएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है,
अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या हम देखने वाले हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या बोला किया जा रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास इन ए ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मैथमेटिकली अगर उसको एक्सप्रेशन किया जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आपको पता है कि जो हम मिक्स कर रहे हैं वो, और मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका मास इनटू 100 करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम मिक्स करते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट जो मिक्स करते हैं उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल जो मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन है उसका मास इनटू 100 अगर करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने एकदम अच्छे से इसको लिख लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट जो हम मिक्स करते हैं उसका मास मतलब कितने केजी है, कितने ग्राम है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसका मास कितना है, इनटू 100 हम कर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, अगर मान लो कि लिक्विड सॉल्यूट अगर हुआ, इन लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट हो तो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर फाइंड करना है तो लिक्विड में हो तो वॉल्यूम से लेके करेंगे, ठीक है, और सॉलिड में है तो मास से लेंगे और लिक्विड है तो वॉल्यूम से लेंगे, तो वॉल्यूम और सॉल्यूट वही पॉइंट है, बस उसकी जगह पे मास और वॉल्यूम कर देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका वो हमें पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम देख लेते हैं, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर हम अच्छे तरह से देखेंगे तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मुझे खाने के लिए दिया गया, मैं खा रहा हूँ, एक लिमिट ऐसा आएगा कि मुझे अगर खाने के लिए दिया है तो मैं नहीं खा पाऊँगा, तो उस पॉइंट को बोला जाएगा कि मेरा जो लेवल था खाने का वो सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुँच गया है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये बोला जाता है कि जो भी हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं उसके डिजॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो एक लिमिट जिसके बाद वो मतलब उसमें मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता है, नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो सॉल्यूट नहीं होगा, अब सॉल्यूशन नहीं मतलब डिजॉल्व नहीं होगा। सिंपल तरीके से बोलूं कि कोई भी एक सॉल्वेंट वाटर लिया, उसमें मतलब मैं शुगर डाल रहा हूँ, ठीक है डाल रहा हूँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मतलब वो उसमें डिजॉल्व होते जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं अगर उसमें शुगर का पार्टिकल डाल रहा हूँ तो उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, तो उस लेवल उस पॉइंट को उस लेवल पर जो मतलब होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस लेवल पे जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ये याद रख लेना। ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अनसैचुरेटेड मतलब यही वही उसी के थोड़ा सा अपोजिट है कि मैं अनसैचुरेटेड मतलब जितना तक मैं खा सकूँ खाऊँ, मतलब खा रहा हूँ मैं, मतलब मैं अनसैचुरेटेड हूँ, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है ही है, जितना डालो उतना डिजॉल्व होते जाएगा, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपने ट्राई करना है। देखिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पर रख रहा हूँ, आप इस पे देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इसके जो सेकेंड पार्ट है इसी चैप्टर का
वो सेकेंड पार्ट का रिलेटेड नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है, पार्ट टू में। और क्या देखने वाले हैं, सस्पेंशन क्या है, उसकी डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, कोलाइड क्या है, टाइप्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, टिंडल इफेक्ट, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, और भी इसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो आप लगे रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसे रिलेटेड आप तक वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचें कि ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। तो ये क्लास 9th NCERT का साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो आपने देख लिया, ठीक है। तो सेकेंड इसके पार्ट का वीडियो भी हम बहुत जल्दी आप तक पहुँचाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।